लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए मेटल, चलो एक मेटल का सरफेस है, ये बना लेते हैं हम लोग का मेटल का सरफेस। इस मेटल के सरफेस पे हमने लाइट डाला और जिसकी वेवलेंथ नैनोमीटर में है, तो 500 नैनोमीटर ये बराबर है इंसिडेंट ऑन मेटल। इस मेटल का वर्क फंक्शन फाई दिया हुआ है और वो वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ध्यान देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन दिया हुआ है। कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैं ये वाला रेडिएशन डालूंगा तो ये कहता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, जब आप फोटॉन्स डालोगे अच्छे खासे फोटॉन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यहाँ से लैम्डा, तो वर्क फंक्शन से ज़्यादा जब डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, पार्टिकल बाहर आ जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो मोशन कर रहे हैं, तो उनके पास एक वेव लेंथ है, डी ब्रोगली वेव लेंथ है लैम्डा, उस लैम्डा की कैलकुलेशन हमें करना है यार, ठीक है आ रहा समझ में। तो डी ब्रोगली वेव लेंथ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, फार्मूला लिख लेते हैं जो हमारा टारगेट है। तो डी ब्रोगली वेव लेंथ एच अपान एम भी होता है, इसका मतलब ये हुआ एच अपान मोमेंटम, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एच अपान टू टाइम्स मास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि आइडियल केस में मैं कंसीडर करता हूं कि अंदर में कोई कोलिजन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को निकलने में, ये आप तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जीरो से लेके मैक्सिमम तक इलेक्ट्रॉनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो ये जो लैम्डा होगा, ये वाली जो लैम्डा होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ला के इसमें रख दें तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उसकी ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं यार, आइंस्टाइन के इक्वेशन से। काइनेटिक एनर्जी जो है आइंस्टाइन के इक्वेशन से एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है, यहाँ से एच सी और वन अपन लैम्डा माइनस वन अपन लैम्डा नॉट होता है, और यहाँ से ध्यान देना कि ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से एच सी अपन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाई। ये अब यहाँ से आप पढ़े होगे, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लो, जो लैम्डा है अगर एनर्जी, जो लैम्डा है वो 500 नैनोमीटर में है, अगर ये नैनोमीटर में है तो एच सी की जो वैल्यू होती है वो 12 नंबर 420 ना होके 12 नंबर 402 हो जाता है, ये इतना जो है इतनी हो जाती है ये वाली जो एस सी की, ये एस सी की जो वैल्यू शॉर्टकट कैलकुलेशन है वो एस सी 12 420, अगर ये एंगस्ट्रॉन में होता तो 420 होता है, अगर ये एंगस्ट्रॉन में होता है तो यहाँ 420 होता है, नैनोमीटर में होता तो एक जीरो कम कर देते हैं, वो कैलकुलेशन हम लोग करके। तो ये जो है अब मैं यहाँ से नैनोमीटर में है तो मैं एस सी की वैल्यू 12 402 लिख देता हूँ, और लैम्डा नैनोमीटर में है तो 500 नैनोमीटर, और वर्क फंक्शन से मैं डिवाइड कर देता हूँ कितना है 2.28, और अब ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, अब ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा, समझ रहे हो ना, तो ये सब पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा, तो इसको डिवाइड करोगे, हाँ इसको 12 नंबर 420 500 नैनोमीटर, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 से, इसको डिवाइड कर दो तो 5 5 दुना 10 और ये 2 2 और ये 4 और ये 8 और पॉइंट वाइड करके इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.48 और 2.28, तो कुल मिला के अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया वो एक्चुअली यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ से हमारा टारगेट था काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो यहाँ से इसको अब ये सारी काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी आई अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे लैम्डा पता चल जाएगा, आ रहा समझ में। तो यहाँ से लैम्डा 6.63 × 10⁻³⁴ और अगर डिवाइड कर दूँ 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁶ kg, और जो काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल के लाया हूँ 0.2,
वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अंडर रूट। तो ये जो है दैट इज ये पूरा जो रामायण कहानी है ये पूरा आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका काम है। तो ये लैम्डा मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन, लैम्डा जो है मिनिमम, लैम्डा मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन ए आई एटलीस्ट, इसको कैलकुलेट कर लेना, देख लेना इसका कितना आ जाता है। इसका आ जाता है 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, तुम भी इसको कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन।